हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यट अनदर वीडियो ऑफ कुणाल शर्मा। और इसका नाम है होंडा एटर्नो 150। इसका मतलब 150 का मतलब है, आप दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है 150, यहाँ ये देखो, यहाँ पे लिखा लिया 150, यानी इसमें 150 cc का इंजन है। सन 2007 का मॉडल है ये। उस टाइम ये 2007 में ये 150 cc के अंदर आता था। अमाउंट प्राइस की बात कर लें तो ये उस टाइम 37,000 के आसपास एक शोरूम न्यू दिल्ली था इसकी जब अमाउंट थी। और ये 2007 का मॉडल है जो आप देख रहे हैं। आज 2022 में से 15 साल पूरे हो गए हैं। इसमें क्या कमियां लगी, क्या कुछ है, कितना चल गया है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके स्पेक्स की बात करेंगे, क्या क्या आता था उस टाइम, क्या कुछ है F4 किया जाता था होंडा की तरफ से, और क्या कंडीशन है इसकी आज, इंजन की क्या कंडीशन है, माइलेज क्या देता है, सब बात करेंगे। बने रहे वीडियो में। तो गाइस फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसकी कुछ हेडलाइट यूनिट आती है जिसके अंदर आपको एक हैलोजन बल्ब दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई इसी में लो बीम हाई बीम है, एक्स्ट्रा कोई इसमें बल्ब नहीं है जो आजकल स्कूटी में दिया जाता है, आजकल की स्कूटी में जो आता है ऐसा कुछ। और ये जो इसमें रेलिंग है मेटल, ये लोहे की है, आजकल जो आती है वो स्टील की होती है। इसमें रेलिंग जो है ये लोहे की लगी हुई है साइड फेसिंग। ये इसकी नंबर प्लेट कुछ उसी टाइम की नंबर प्लेट है, आजकल तो लगवाई नहीं है इसमें, जिनका स्कूटर बोले 15 साल हो गए लगवानी नहीं है ये। इसका यहाँ पे देखो, ये आपको फाइबर टाइप बॉडी मिलती है, ये आपका मेटल है, ये देखो ये मेटल, ये फाइबर, ये आपका मेटल पूरा, मतलब फाइबर का आप खाली ये बीच का पार्ट है, वरना ये पूरा आपका मेटल का है इसमें। और इसके बाद अगर टायर साइज की बात कर ली जाए तो ये आपका आता था 3.5 10 इंची का टायर था, 3.50 F4। ये इसमें टायर आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है MRF का, इसमें कंपनी से कुछ और आता था। और ड्रम ब्रेक आते थे इसमें, हेयर ड्रम ब्रेक, इसमें कॉम्बी ब्रेक नहीं आते थे जो होंडा के आजकल की स्कूटियों में आते हैं, जैसे कॉम्बी ब्रेक आते हैं कि पीछे का दबाव तो आगे का भी साथ में थोड़ा लगता है 50%, इसमें नहीं आता कॉम्बी ब्रेक, इसमें खाली सिंगल ब्रेक आता था। और इसमें ऐसे ये वाले सस्पेंशन आते थे, वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं आते जो आजकल आते हैं आपके पास। इंडिकेटर प्लेसमेंट कुछ यहाँ पे थी, एक ये लेफ्ट का, ये राइट का, ये आपका हॉर्न के लिए दिया जाता था। इसमें एक बात, इसमें ना बैटरी नहीं आती थी उस टाइम पे, इसमें बैटरी नहीं होती थी, जिस वजह से इसका जो हॉर्न है ना उसकी आवाज़ भी कुछ आपने रोड पे देखा होगा तो अलग सी है। इसका हॉर्न का बटन यहाँ दे रखा है, इसमें बैटरी नहीं आती थी, तो इसमें जो हॉर्न है वो रेडिएटर से कनेक्ट होता था, मतलब रेडिएटर से कह रहे इंजन से कह लो। तो अगर आपके इंजन, जैसे आप रोड पर चला रहे हो, इंजन आपका स्पीड में, तो हॉर्न की आवाज़ तेज़ होती थी, और खड़े स्कूटर में हॉर्न की आवाज़ कम होती थी। आपको कुछ चला के भी दिखाऊंगा अभी, ऐसी कुछ ही कुछ फ्रंट प्रोफाइल आती थी। ये मिरर इसमें आते थे कंपनी से। और इसकी साइड की बात कर ली जाए तो ये इसका नीचे का कुछ फ्लोर हो गया, फ्लोर इसका काफ़ी मजबूत है। ये हो गया इसका आपका पीछे का ब्रेक, इसका आपका पीछे का ब्रेक लगता है, यहाँ से आपका पीछे का ब्रेक लगता है। यह आपका हो गया आगे का मीटर, यहाँ पे आपको 0 से लेके 110 तक की मार्किंग दी जाती है। आपका हाई बीम का लाइट हो गई, आपकी इंडिकेटर की लाइट हो गई, यहाँ आपको हाई बीम लो बीम का बटन दिया जाता है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी जाती है, यहाँ आपके लाइट ऑन ऑफ करने का बटन है, ये आपका हॉर्न का है। अगर आपको इसमें बात बताऊँ तो जैसे मैंने भी इसे चलाया था अभी, तो इसके जो हाई बीम लो बीम का बटन है ना, ये थोड़ा उल्टा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे, क्योंकि जब मैं तो हाई पे डालता हूँ तो सी लाइट नीचे चली जाती है, लो पे रखता हूँ तो सी हाई लाइट ऊपर जाती है। आप बताना अगर आपके स्कूटर में भी किसी कष्ट हमारे स्क्राइबर भाई के पास होता है, बताना यार कुछ ऐसे हो तो। ये इसका आपको क्लच मिलता था, ये आगे का आपका क्लच है गियर चेंज करने के लिए, इसमें आपको 4 गियर आते थे। ये अभी न्यूट्रल में ये 1 2 3 4 4 तक जाता था ऐसे, या कि 4 गियर आते थे, जिसकी वजह से इसकी माइलेज बहुत अच्छी थी। 150 cc का इंजन होने के बाद भी इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो भी स्कूटी जो माइलेज आजकल की 100 cc 110 cc की स्कूटी 125 cc की स्कूटी नहीं निकाल पाती ना, उस टाइम ये निकाल देता था वो माइलेज। ये आपका हॉर्न का बटन हो गया, ये आपका आगे वाला ब्रेक हो गया, कुछ ब्रेकिंग इसकी सही है वैसे, बेकार नहीं कह सकते। ये आप आपकी चौक दी गई है, इधर आप चौक लगा सकते हैं, यहाँ पर आपकी की होल दिया गया है, यहाँ की लगेगी। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो इसमें जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, आपको यहाँ पर वो फ्यूल का गेज नहीं दिखता कि कितना फ्यूल है कितना नहीं है, एज में फ्यूल वगैरह नहीं है, तो इसमें फ्यूल का पता कैसे लगता था। यहाँ पर आपकी ये बटन दिया जाता है, ये इसे कहते हैं ये रिजर्व बटन, जिसे यहाँ पर ऑन है तो आपका फ्यूल ऑन है, इंजन में जा रहा है। अगर आप इसे यहाँ पर ऑफ पे कर देंगे तो आपका फ्यूल हो जाएगा ऑफ, मतलब फ्यूल इंजन में नहीं जा रहा आपका। ये आ गया रिजर्व, RES जो, ये रिजर्व। अब होता क्या था, मान लिया आप इसे लेके चल रहे हैं, पेट्रोल हो गया तो जाता था, जैसे जाता था, अगर आप इसे लगा दो जो रिजर्व
ये रिजर्व में लग के आपका करीबन 20 से 30 किलोमीटर तक आता था। इतने में आज के टाइम मिल कुछ टोइंग हो गए या आपको कुछ फंसा सकते, इसमें आप तकरीबन जितना ज़्यादा उतना वेट लटका लेना, बहुत हैवी है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, वेट काफ़ी लटकाते हैं लोग इस पर। ये आपके यहाँ पे पूरी मेटल की बॉडी दी जाती है, ये मेटल है पूरा, ये मेटल है, ये आपके यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी जाता है सामान वगैरह बांधने के लिए, आपको बांधना हो तो। यहाँ पर ये प्लास्टिक की क्लाइडिंग दी गई है, पीछे इसमें आती है स्टपनी, स्पेयर टायर जिसे कहते हैं, जो आज के टाइम पे किसी भी टू व्हीलर में नहीं आता। ये उस टाइम स्टपनी आती थी, इसका साइज भी वही है जो नॉर्मल टायर है, ऐसा नहीं है कुछ कम है, वही है 3.50 और 10 इंची का टायर है, वही सेम साइज़ है, स्टपनी है। कहीं अगर आपकी स्कूटी पंचर हो जाती है, स्कूटर पंचर हो जाता है, तो इसमें 3 नट होते थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये तीन नट होते हैं, 1, 2, 3। पीछे का कवर हटाओ, नट खोलो और टायर चेंज कर लो, अगर आपको बीच हाईवे पे आपको पंचर वाला नहीं मिलता। ये आपको डिग्गी खोलने के लिए स्लॉट दिया गया है, यहाँ आपका पैर रख सकते हो, ये इसकी पीछे की मेटल की, आपकी मेटल की यहाँ पे ग्लाइडिंग दी गई है, और ये इसकी कुछ बैक लाइट यूनिट है, यहाँ पे आपकी बैक लाइट है, ये आपका इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपका ये एक इंडिकेटर देख लो, यहाँ पे नट बाहर से कसे गए हैं, उस टाइम इसमें बाहर से कसे जाते थे, आजकल जो अंदर से फिट होती है ना, ऐसा कुछ नहीं था। इसकी नंबर प्लेट, नंबर प्लेट के ऊपर आपको यहाँ पे एक इसका बल्ब भी दिया जाता है, जो नंबर प्लेट पे सीधी लाइट आए। ये आपका इंजन, इसमें सेल्फ आता नहीं था, तो आपको सीधा किक से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, या किक दी गई, यहाँ भी पूरी मेटल की बॉडी, आपको यहाँ भी एक ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो ऐसे कुछ था इसमें। सीट इसकी कंफर्टेबल है, सीट में सीट तक कोई शिकायत नहीं होने वाली, आराम से बैठ के जर्नी कर सकते आप, सीट इसकी आरामदायक है, सीट से कोई आपका परेशानी नहीं होने वाली। बात कर ली जाए इसकी चाबी की, तो इसमें कुछ ये तो खैर बाहर से लगवाई गई है चाबी, स्पार्क आपको लिखा दिख रहा है, सेम ऐसी चाबी आती है, होंडा लिखा होता था बस, भी चाबी पे यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम ख़राब हो गया था, तो ये आफ्टर मार्केट। हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है डिग्गी खोलने के लिए, जैसे आप नॉर्मल स्कूटी में करते हैं ना, क्या करते हैं कि हमने चाबी लगाई और ऐसे घुमा दिया तो डिग्गी खुल जाती, इसकी नहीं खुलती। इसमें आपको क्या करना है, इसकी आपको चाबी घुमानी है और आपको हाथ से ही उठाना पड़ेगा ऐसे, ये तभी डिग्गी खुलेगी, वरना डिग्गी नहीं खुलेगी। ये इसकी पेट्रोल की टंकी तकरीबन 4.5 लीटर की, इसकी पेट्रोल की टंकी कंपनी बताती है कि इसमें 4.5 लीटर की टंकी लगी हुई है, 4 लीटर आपको नॉर्मल होता है और 0.5 लीटर जो आपका होता है रिजर्व के लिए बचा हुआ होता है फ्यूल। इसकी माइलेज की बात कर लिया तो माइलेज काफ़ी अच्छा देती थी, क्योंकि इसमें गियर आते थे और गियर की वजह से इंजन के आरपीएम डाउन रहती थी, तो इस आपकी माइलेज बढ़ती है, तो गियर की वजह से इसकी माइलेज थी। इसका 150 cc का इंजन है, जो आजकल की 100-110 cc की स्कूटी आ रही है ना, वो निकालते 30-40 हैं, कोई भाई की 50 निकाल देगी, भाई चलाने के ऊपर है। तो ये ऐसी कुछ है, इसमें चार गियर की वजह से, भाई मैं बता रहा हूँ 1 लीटर मैंने 55 प्रेस जाती है इसको, 55 प्रेस आराम से चलता है। और वेट की बात करूँ, देखो यहाँ भी एक तो मेटल दे रखा है, आजकल की छोटे वहाँ प्लास्टिक पार्ट देते हैं, भाई वेट की बात करूँ ना, आप इस पर कितना ही वेट डाल लो, 3 जने 4 जने आराम से बैठ के जाते हैं इसमें, अगर 4 जने तो आ नहीं पाते क्योंकि पीछे दिक्कत करता है, 3 जने ना आराम से जाते हैं, खुद कोई दिक्कत नहीं करती है। या आपके इसमें छोटा सा डिग्गी का स्पेस दिया गया है, जहाँ आपका सामान पड़ा रहेगा, शेप रख सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा गहराई में कुछ दिया गया है, ऐसे नीचे डीप जा रहा है थोड़ा, तो अपना सामान वगैरह पेपर होल्ड करने के लिए आपको स्ट्रैप भी दी गई, अच्छी बात है, आपको यहाँ पर एक रबड़ की स्ट्रैप दी गई है, यहाँ पर फंस जाती ताकि पेपर वगैरह व्हीकल के ना निकले। ऐसा कुछ आपका स्कूटर हो गया, और दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। हाँ, ये आपका टायर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कब क्या कितनी हवा होनी चाहिए, और वेट तो अच्छा वाला कैरी कर ही लेता है, कितना ही वेट डाले एक बार मोड़ जाता है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, गियर याद कर लिया था, पहला गियर आपको इस पे 10 पे दूसरे पहले से तो उठाओगे, 10 पे आपको दूसरा गियर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 15 पे आपको लगाना पड़ जाएगा दूसरा गियर, तीसरा गियर तो आपको इस पहले से स्टार्ट करोगे तो आपको दूसरा गियर लगाना पड़ेगा 10 की स्पीड पे, तीसरा गियर लगाना पड़ेगा आपको 15 से 20 की स्पीड के बीच में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा गियर आपको लगा दोगे तो आपको चौथा गियर जो लगाना, आपको कंपनी बोलती है 30 पे, पर आप इसको 35 का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस इंजन थोड़ा साउंड करने लगता है। इसकी इसका हो गया कुछ एक्सेलेटर, ब्रेकिंग आपको बताई दी, आपका क्लच, ये आपका आगे का ब्रेक, वो आपका पीछे का ब्रेक हो गया, और पीछे का जो टायर प्रोफाइल है वो भी सेम ही है, यहाँ से आपका इंजन ऑयल लगता है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, डिस्क ब्रेक इसमें कुछ नहीं आता था। या किक है नॉर्मल स्टार्ट करने, किक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। या आपको न्यूट्रल में रखनी है, आपको सेल्फ ही से क्लच को दबा के रखोगे तो स्टार्ट नहीं होगा ये कुछ भी। और हाँ, एक वैसे जैसा आप वैसा आजकल की बाइक में कर लेते हैं ना, गियर वाली बाइकों में, कि आपने गियर डाला पहला दूसरा और धक्का मारा स्लोप पे ले आके, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो स्टार्ट हो गया, ये नहीं होता स्टार्ट, आपको किक ही मारनी पड़ेगी। बैटरी इसमें आती नहीं है, देखो एक किक में स्टार्ट हो जाएगा आज भी, इसे 15 साल हो गए हैं
और इन्होंने थोड़ा कम चलाया है, 33,000 करीब में चला हुआ है, पर आज भी इसकी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चलता है, 50-60 तो आराम से पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेकिंग भी अच्छी है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक मतलब अच्छी तो नहीं कह रहा, ठीक ही कहूँगा, एवरेज है, पर दिक्कत कुछ नहीं, आराम से चलता है। आज भी इसे 15 साल हो गए हैं, इसकी वैलिडिटी वगैरह ख़त्म होने वाली है 15 साल, 1-2 महीने की हो रहा है शायद, पर जो इसकी परफॉर्मेंस है ना आज भी ना लाजवाब है, इसलिए लोग इसे आसानी से बेचते नहीं थे। आपने देखा होगा आज भी लोग इसे लेके चलते हैं, क्योंकि वेट इसमें, क्योंकि आज जो वेट आजकल की स्कूटी नहीं झेल ले पाती ना, वो ये ले लेता है, कितने सामान आप इसमें ला दो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहेगा आपको, बड़े प्यार से चला जाता है, हैं स्लोप पे भी आराम से चढ़ जाएगा, ना वेट मांगता ना कुछ। देखो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देखो एक एक में स्टार्ट हो गया। बस ये है यार, आप अगर व्हीकल की मेंटेनेंस थोड़ी अच्छी करके रखोगे ना तो व्हीकल पर कुछ नहीं करोगे, बड़े प्यार से चलेगा, टाइम टू टाइम सर्विस कराओ बस, और क्या चाहिए। सर्विस में लेट करोगे तो बाद में फिर आप ही कहोगे थोड़ा बना भी देखो यार, खैर स्टार्ट तो करें फिर। देखो देखो ऐसा कुछ इसका साउंड है, साउंड तो इसका अच्छा है यार, साउंड बड़ा नहीं है, बेस है साउंड में, अच्छा खासा साउंड है, देख लो। हाँ हाँ तो मैंने, हाँ ये देखो हॉर्न का मैंने बताया था, जैसे अभी आप खड़ा है, रेस नहीं दे रखी, देखो खैर बंद होकर को दिखाता हूँ, ये देखो अब देखना रेस है, हॉर्न की आवाज़ सुनना। हाँ देखो ये रेस में, रेस में तो ऐसी साउंड है, अब देखना नॉर्मल हो गया, देखिए हॉर्न की, अब देखो हॉर्न वेरी साउंड, देखो साउंड है, कोई दिक्कत नहीं चलने। इसकी स्टैंड बंद कर देते थोड़ा, हाँ जिसकी स्टैंड कट कर लेते, इसमें खाली मिडल स्टैंड दिया जाता था आपको, साइड का स्टैंड इसमें आपको नहीं दिया जाता था, और क्या बचा इसमें बचाने के लिए, हो गया सब कुछ लगभग पूरा। हाँ ये आपका साइलेंसर आपको यहाँ दिया गया लेफ्ट साइड, आजकल की स्कूटी में राइट साइड आता है, इसमें नहीं दिया गया, पीछे के चौकर आपको ये मिलते हैं। सस्पेंशन क्वालिटी ठीक है वैसे, दिक्कत कुछ नहीं आज भी, आज तक इसमें इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई है, बढ़िया चल रहा है इंजन, हाँ स्कूटर बढ़िया। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, स्कूटर कैसा लगा आपको, वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी नहीं लगी बताना, कोई इसके बारे में क्वेरी हो आपको, कुछ पूछना हो कोई बताना, कमेंट कर दूंगा, वीडियो बता दे रहा हूँ, वीडियो ख़त्म कर, तो अगली वीडियो इंतजार करिए, वेट करिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट बोल गया, गलती कर देता हूँ कभी कभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है यार, कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं, हाँ कोई नहीं यार, अब हम भी चलते हैं, इसके मालिक का कॉल आने वाला है, कहाँ रह गया मेरा जिगर का टुकड़ा, मानते भाई से, चलो भाई बता देना जैसे भी आपको लगे, ठीक है, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, गुड मॉर्निंग, बाय।